गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर ऑनलाइन जीके क्लास। सो गेट रेडी फॉर दिस, टेक आउट योर जीके बुक एंड ओपन चैप्टर 30, पेज नंबर 48। ओके, टुडे वी विल रीड चैप्टर 30, कंट्रीज एंड फ्लैग्स। आज हम पढ़ेंगे अदर कंट्रीज के फ्लैग्स। हमें अपने कंट्री का तो फ्लैग पता ही है, लेकिन आज हम और भी कंट्री जो हैं उसके बारे में पता करेंगे, उसकी फ्लैग कैसी है। ठीक है, फॉलोइंग आर द फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मैच देम विद द करस्पॉन्डिंग कंट्री। तो नीचे कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं और इधर कुछ कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं। आपको फ्लैग देखना है और पहचानना है और कंट्री से मैच करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये तो ईजी है, ये तो सबको पता होगा, ये तो सब पहचान रहे होंगे कौन सा फ्लैग है ये। इसमें थ्री स्ट्रिप्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सैफ्रॉन, सेकंड वाइट, थर्ड ग्रीन, एंड बीच में एक व्हील बना हुआ है। तो ये कौन सा फ्लैग है, कौन सा कंट्री का? इंडिया। ये तो हमारा फ्लैग है इंडिया का, तो इसको हम मैच करेंगे जैसे इसमें मैच किया हुआ है इंडिया से। ओके, इंडिया से हम इसको मैच कर देंगे फर्स्ट वाले को। ओके, सेकंड चलते हैं। सेकंड, इसमें बॉक्स, एक फ्लैग बनी हुई है, बॉक्स में लॉयन बना है जिसने शॉट लिया हुआ है, और एक ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर बने हुए हैं स्ट्रिप्स। तो इस ये कौन सा फ्लैग है, कौन सा कंट्री का? यह है श्रीलंका का। इसको आपको याद करना पड़ेगा, यह है श्रीलंका का। आप इसको मैच करोगे श्रीलंका, यहाँ से मैच करके श्रीलंका। ओके, थर्ड कहाँ का फ्लैग है? ये पूरा का पूरा ग्रीन है और एक अंदर सर्कल में रेड कलर दिया हुआ है। तो ये कहाँ का फ्लैग है? ये है बांग्लादेश। ये तो लर्न करना पड़ेगा, आप लोग को तो याद तो होगा नहीं कौन सा कहाँ का फ्लैग है, तो लर्न करना पड़ेगा। ओके, लर्न करिएगा आप लोग। बांग्लादेश कहाँ का फ्लैग है? ये ग्रीन कलर और बीच में रेड कलर, बांग्लादेश। ओके, फोर्थ क्या है? पूरा रेड कलर है और इसमें बी साइड कॉर्नर में एक बड़ा सा स्टार बना है और उसके बगल बगल में फोर स्मॉल स्टार्स बने हैं। तो ये है चाइना का। कहाँ का है? चाइना। ठीक है, फिफ्थ है, इसमें स्ट्रिप्स बने हुए हैं अलग अलग जैसे भी बनते हैं, पहले रेड फिर वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट स्ट्रिप्स बने हुए हैं, लास्ट में कॉर्नर में एक स्क्वायर शेप में एक कुछ पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, ब्लू बॉक्स में पैटर्न बने हुए हैं कुछ। तो आप ये पहचानिएगा और याद रखिएगा ये कहाँ का फ्लैग है। ये है यूएसए। इसको मैच करेंगे यूएसए में। ओके, नेक्स्ट सिक्स है, ये कहाँ का फ्लैग है? इसमें ग्रीन है एंड वाइट है। ग्रीन कलर के जो भी स्ट्रिप्स बने हैं उसमें एक मून बना हुआ है और एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। तो ये कुछ पहचाना लग रहा है आप लोगों को, कहीं देखा है? ये है पाकिस्तान का फ्लैग। किसका? ये पाकिस्तान। इसको मैच करेंगे पाकिस्तान में। ओके, आप लोग इस चैप्टर्स को मैच कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगी, आप इसको अपने कॉपी पे फिल कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज इसका 49 पेज। नेक्स्ट है बजर राउंड। बजर राउंड क्या है? जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी चैप्टर से रिलेटेड आएगा इसमें। ठीक है, ए नेम दीज फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। आपको टूरिस्ट स्पॉट्स बताना है, कौन सा नाम है इसका, क्या नाम है ये, क्या है ये, आप लोगों को पहचाना हुआ लग रहा होगा, कभी देखा होगा किसी पिक्चर में, बुक में, टीवी में। क्या है ये? ताजमहल, जो आगरा में है। ओके, ये क्या है, ये किस, इसका क्या नाम है? ये तो इंडिया के बाहर है, ये तो इंडिया में भी नहीं है। क्या नाम है इसका? एफिल टावर। ये है एफिल टावर। आगे आते हैं, बी राइट एस और नो, एस और नो करना है। फर्स्ट है, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। वी गेट वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप से। नो, केमिस्ट शॉप पे क्या बिकता है? उस पे तो मेडिकल मेडिसिन बिकते हैं, तो हम वेजिटेबल्स तो नहीं ले सकते हैं। तो ये नो। We buy fruits from a green grocer. हम fruits green grocer से खरीदते हैं। Green grocer पे क्या मिलता है, क्या बेचता है वो? और उस पर तो vegetables and fruits भी बिकता है। तो ये yes। We
सॉरी बेकरी सेल्स पेस्ट्रीज ओनली, जो बेकरी का शॉप होता है जहाँ बहुत सारे सामान मिलते हैं, वो क्या केवल हमें पेस्ट्री देता है? नो, उस पे तो ब्रेड, केक, पेस्ट्री, कुकीज सब मिलते हैं ना, तो ये नो। फोर्थ है, अ टीचर यूज्ड अ स्टेटोस्कोप। टीचर जो आपको पढ़ाती है वो स्टेटोस्कोप यूज करती है। स्टेटोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर लिया होता है अपने गले में, जिसको अपने ईयर में लगाता है और जिससे हार्ट बीट चेक करता है, वो टीचर भी ली होती है। नो। फिफ्थ, अ ट्रैफिक पुलिसमैन वियर्स व्हाइट क्लोथ्स। ट्रैफिक पुलिसमैन व्हाइट कलर के कपड़े पहना होता है। यस। सी आते हैं, क्या करना है? कलर द गिवन फ्लैग्स अप्रोप्रिएटली। कलर द गिवन फ्लैग्स अप्रोप्रिएटली, मतलब जो नीचे फ्लैग्स दिए हुए हैं उसको उचित ढंग से कलर करें, मतलब जिसमें जो कलर फिल करने हैं वही कीजिएगा। ये किसका फ्लैग है? इंडिया। तो इंडिया का तो फ्लैग तो पता ही होगा, फर्स्ट सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन। ओके। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का किस कलर का होता है? इसमें वाइट होता है और इसमें ग्रीन होता है, और एंड मून एंड स्टार तो वाइट ही होता है। ओके, आप लोग कलर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे इसके। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है 31, लिविंग एंड नॉन लिविंग। चैप्टर 31, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है और नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? लिविंग जो ब्रीथिंग, मूविंग, एक्सक्रेटिंग एंड ईट, ड्रिंक, जो भी सब कर सकते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। एंड नॉन लिविंग जो एक जगह पड़े रहते हैं, ना तो वो सांस ले सकते हैं, ना तो खाते हैं, ना तो चल सकते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। अरे सॉरी, सर्कल एंड कलर द लिविंग थिंग्स। जो भी इस पिक्चर्स में लिविंग थिंग्स है उसको सर्कल करना है और कलर करना है। क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस पे क्रॉस करना है, उसको कलर भी नहीं करना है, केवल क्रॉस करना है। ओके, फर्स्ट है टेबल बनाए। टेबल क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये ईट करता है? नो। मूव करता है अपने से? नहीं, हम एक जगह से दूसरे जगह ले ही जा सकते हैं इसको, अपने से तो जा नहीं सकता है, तो ये लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, ये है नॉन लिविंग, इसको क्रॉस करेंगे। सेकेंड है हाउस। हाउस क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है? ये सांस लेता है? नो। ईट? नो। ड्रिंक? नो। मूव? नो। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब ये क्या है, ट्री। ट्री भी तो मूव तो नहीं करता है ना, ट्री भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, बट ये इसको तो वाटर दिया जाता है तभी तो बड़ा होता है, प्लांट को वाटर देते देते ट्री बनता है। और ये अपना खाना तो खुद बनाता है, इसको हम खाना नहीं देते लेकिन ये खाना खाता है जो खुद से बनाता है, और ये सांस भी लेता है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हम इसको नहीं कह सकते, ये लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम कलर करेंगे और टिक करेंगे, सॉरी टिक नहीं करेंगे, कलर करेंगे और सर्कल करेंगे। ओके, नीचे आते हैं। नेक्स्ट है टर्टल। टर्टल क्या है, ये ब्रीथिंग करता है? यस। मूव भी करता है और पानी भी पीता है, ड्रिंक करता है, ईट करता है, तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स, इसको सर्कल करेंगे और कलर करेंगे। नेक्स्ट है कप एंड सॉसर। कप एंड सॉसर ये तो कुछ नहीं करता, ना तो चल सकता है, ना तो सांस लेता है, ना तो खाता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। काऊ ये तो चलता भी है, खाता भी है, सांस भी लेता है, तो ये लिविंग थिंग्स है, सर्कल करेंगे एंड कलर करेंगे। नेक्स्ट ग्रास। ग्रास है ये, तो जब ट्री लिविंग थिंग्स था तो ग्रास भी तो लिविंग थिंग्स होगा ना, क्योंकि इसको भी तो पानी पड़ता है तभी तो बड़ा होता है, ये भी ऑक्सीजन देता है हमें, और ये भी अपना खाना जो खुद से बनाता है, तो ये भी लिविंग थिंग्स है, इसको भी सर्कल करेंगे और कलर करेंगे। बटरफ्लाई ये तो हम अच्छे से देखते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मूव करता है, खाता भी है, ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स है, इसको कलर करेंगे। मैट ये तो एक जगह पड़ा रहता है, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे अपने। नेक्स्ट चैप्टर है 32, कॉम्प्यूपीडिया।
चैप्टर 32 कॉम्प्यूपीडिया, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लुक एट द गिवन कंप्यूटर सिस्टम, नीचे कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है, लेबल इट्स पार्ट एंड कलर इट, उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं और आपको कलर करना है, ओके। क्या है ये, इसमें फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर तो पता है हमें, जो भी इस कंप्यूटर में शो करता है वो मॉनिटर पे तो शो करता है, इसी में जो भी पिक्चर बने होते हैं, वीडियो देखते हैं, वो इसी में तो देखते हैं ना, इसका नाम क्या है, मॉनिटर। सेकंड क्या है, सीपीयू। सीपीयू अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका पूरा मेमोरी इसी में होता है, जैसे हमारा मेमोरी हमारे दिमाग में होता है वैसे इसका मेमोरी सीपीयू में होता है, तो बिना दिमाग के कोई इंसान नहीं चल सकता, वैसे सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। थर्ड है माउस। माउस का क्या काम होता है, जब भी हमें कुछ क्लिक करना होता है ओपन करने के लिए या क्लोज करना हो या कुछ भी करना हो तो हम माउस का यूज करते हैं, ठीक है, ये है माउस। फोर कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कोई लेटर्स, नंबर, न्यूमेरिकल्स और सिंबल्स टाइप करते हैं, कुछ भी लिखना हो हमें, क्वेश्चंस का लिखना हो तो हम इसी का यूज करते हैं, ये कीबोर्ड। फिफ्थ यूपीएस। यूपीएस क्या है, जब लाइट चली जाती है अचानक से तो कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा, तो ये जैसे हमारे घर में बैटरी लगाई जाती है, यहाँ यूपीएस लगाया जाता है कि इसके अंदर कुछ पावर्स रहते हैं, अगर लाइट कट भी हो जाएगी तो कंप्यूटर अपने आप बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके नेम फिल करोगे, नेम मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, और इसको कलर करोगे, ओके। आप मुझे सेंड भी करना इसकी पिक्चर क्लिक करके, आगे के जो चैप्टर्स हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने आप अपने बुक को कंप्लीट कर लेना और मैं जो क्वेश्चन सेंड करूँगी इस चैप्टर्स के अपने जीके की कॉपी पर लिख लेना, ओके, और याद भी करते रहना, जल्दी ही आप लोगों के एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।